जय श्री राम दोस्तों, हम इस समय प्रभु श्री राम की पावन धरती अयोध्या में और यहाँ पे हम हैं राम रसोई में और यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक बार आप सभी को ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। अगर आप अयोध्या घूमने आए हैं तो हमने सबसे पहले यहाँ पे टिकट दी जाती है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे टिकट ले ली। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप एक आधार कार्ड से कम 20 लोगों का खाना ले सकते हैं यहाँ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे कम से कम हज़ारों की संख्या में रोज़ लोगों को खाना खिलाया जाता है, वो भी बिना किसी पैसों के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से ही कितने सारे लोग बैठे हैं, पंडित संत सभी लोग यहाँ पे खाना खाते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से सर्व किया जाता है। वो प्लेट में क्या क्या रहता है हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। और यहाँ पे एक नियम है, अगर आपको खाना चाहिए तो उससे पहले आपको खाना मुँह में डालने से पहले आपको जय श्री राम बोलना होता है, और जय श्री राम बोल के आप खाना खाना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारी प्लेट लग गई और उसमें हमें सबसे पहले ग्लास में पानी दिया गया। पानी देने के बाद हमें यहाँ पे चावल डाले गए। चावल के साथ यहाँ पे आपको दाल भी मिल जाती है। दाल में तड़का वगैरह लगा के दिया जाता है, जीरे वगैरह प्याज लहसुन वगैरह नहीं डाला जाता है खाने के अंदर। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से खाने को परोसा जाता है, लाइन बाई लाइन सभी के उसमें डाल देता है, चाहे संत हो चाहे पापा हो, सबको एक ही जैसा खाना मिलता है, किसी में भेदभाव नहीं किया जाता है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पे दाल मिल रही है, तो फिर कोई चावल दे रहा है तो चम्मच वगैरह, फिर यहाँ पे आपको साथ में कुछ पापड़ वगैरह भी मिलते हैं, पापड़ कचरी वगैरह। और यहाँ पे हर दिन एक ही जैसा खाना नहीं बनता है, यहाँ पे जो खाना है वो डे बाई डे चेंज होता रहता है। आज अगर आपको कोई सी सब्ज़ी मिले तो कल नेक्स्ट दिन कोई और सी सब्ज़ी मिलेगी। और आज यहाँ पे दाल और चावल के साथ यहाँ पे घी के कोफ्ते भी दिए गए थे। जो घी के कोफ्ते बनाए जाते हैं ना, वो यहाँ पे सर्व किया गया था। दो दो कोफ्ते दिए गए थे सभी के प्लेट में। और यहाँ पे साथ में आपको आलू की सब्जी दी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं चावल हमारी प्लेट में डल चुका है, वन बाय वन सारी चीज़ें हमारी प्लेट में आ रही हैं। जैसे अभी दाल मिली, फिर हमें चावल मिला, अब यहाँ पे हमें घी के कोफ्ते मिलते हैं। घी के कोफ्ते जैसे बगल में मेरे भैया हैं तो वो पहले ही खाने के लिए तैयार हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लगी है। और यहाँ पे राम जी का प्रसाद भी खा जाता है, इसलिए आप सभी को यहाँ पे ज़रूर से आना चाहिए। हमारी प्लेट में काफ़ी सारी चीज़ें डल चुकी हैं, जैसे कि कुछ कचरी, पापड़, और साथ में यहाँ पे आपको पूड़ी भी मिलती है, आपको साथ में पूड़ी भी दी जाती है। और एक्स्ट्रा में यहाँ पे हमें सांभर दिया गया था, जैसे कि डोसा सांभर खाते हैं ना, तो उसका सांभर भी यहाँ पे दिया गया था। साथ में वो अचार दिया जाता है, मतलब उसमें अचार नहीं रहता, मतलब खट्टेपन के लिए उसका रस दिया जाता है अचार का। जैसे कि आप प्लेट में देख रहे हैं हमारी प्लेट में सांभर डल चुका है। और हमने यहाँ पे जय श्री राम बोल के खाना खाना शुरू कर दिया। खाना काफ़ी अच्छा था, जैसे कि आप देख रहे हैं सब लोगों ने ही खाना खाना चालू कर दिया, हमने भी खाना खाया, अच्छा टेस्ट था। आप लोग अगर अयोध्या में आते हैं तो आप जरूर ये राम